सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं जी फरमाजा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ यूट्यूब के वास्ट टाइम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्तों के यूट्यूब चैनल्स हैं और उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो वास्ट टाइम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करने जाऊँगा जिसको यूज़ करके आप अपने मोबाइल के ऊपर से अपना जो वास्ट टाइम है वीडियोज़ का वो पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो इस तरह की मजीद ऐसी वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलती रहें। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले जो मसला आता है कि आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर है वो किस तरीके से पूरे करने हैं, तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके वहां से इसको विजिट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपना जो 4000 घंटे हैं ये आप किस तरीके से पूरे कर सकते हैं एक ईजिली सॉफ्टवेयर के जरिए। दोस्तों मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप लोगों को दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और उन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको कैसे प्ले करना है, किस तरीके से आप लोगों ने अपना टाइम पूरा करना है, ये मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ चुका अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है अपनी यूट्यूब वीडियो का जो वॉच टाइम है वो किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, दो एप्लीकेशन की। एक तो आपको कोई भी VPN जो है वो चाहिए, अगर आपके पास कोई अच्छा VPN मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ये जो VPN है टर्बो VPN आप इसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट आउट करके यहाँ पर अपना VPN ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर दफ़ा जब आपने वीडियोज़ को प्ले करना है तो आपने से कंट्री जो है वो सिलेक्ट आउट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक यहां पे ब्राउजर जो है ब्रेव ब्राउजर यहां पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ब्रेव ब्राउजर, ठीक है। इस ब्राउजर को आप लोगों ने अपने आईफोन या आपका जो पास एंड्रॉइड फोन है यहां पे आप लोगों ने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर एक इंतहाई अमेजिंग फीचर है जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम है वो किस तरीके से आसानी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आप जाएं, यहाँ पे जाने के बाद इसकी सेटिंग के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकग्राउंड वीडियो प्लेबैक, ठीक है। तो ये आपने जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑफ होगा, तो आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद दोबारा आप लोगों ने इसको जो है ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद आप लोगों ने अपने इस ब्राउजर के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना है 3 डॉट के ऊपर ओपन, और ओपन करने के बाद न्यू टैब प्राइवेट टैब के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब न्यू प्राइवेट टैब के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरी जो स्क्रीन है वो शो ही नहीं हो रही, आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाकर समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो काम करना है वो प्राइवेट टैब के ऊपर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, अब ये टैब आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने YouTube ओपन कर लेनी है, ये सारा काम आप लोगों ने प्राइवेट टैब के अंदर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया YouTube को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने 3 डॉट के ऊपर जाके डेस्कटॉप साइट को जो है वो लाजमी से ओपन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डेस्कटॉप साइट के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्किंग करता है। तो जैसे ही आप लोगों के पास जो भी आपने वीडियो प्ले करनी है वो डेस्कटॉप साइट के अंदर ही करनी है, तो जैसे आपके पास ये ओपन हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारा काम आप लोगों ने प्राइवेट टैब के अंदर करना है। मैं आपको इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्ड स्क्रीन है उसके ऊपर प्राइवेट टैब शो ही क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई वीडियो जो है वो किसी दूसरे तीसरे पांचवें नंबर के ऊपर रैंक कर रही है तो आपने वो कीवर्ड यहाँ पे लिखना है और उस कीवर्ड के जरिए आपने अपनी वीडियो को प्ले करना है। अगर आप लोगों की कोई जो वीडियोज़ है वो रैंक नहीं कर रही है तो आपने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखना है। चैनल का नाम लिखने के बाद आपने अपने चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं वॉल्यूम क्लोज आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इस फर्ज करें कि इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ, ये वीडियो मेरे पास प्ले हो जाती है। अब दोस्तों ये वीडियो मेरे पास प्ले हो चुकी है, ठीक है। इसका यहाँ से मैंने लिंक कॉपी करना है, ये सारा काम आपने अपनी वीडियोस के ऊपर करना है, ठीक है। आपने अपनी वीडियो को ओपन किया, ओपन करने के बाद अब यहाँ पे जाएं और नेक्स्ट टैब के ऊपर चले जाएं, इसको यहाँ पे पेस्ट करें और ये देखें ये आपकी नेक्स्ट वीडियो प्ले होगी। अब होगा क्या, यहाँ पर भी आपने डेस्कटॉप मोड को ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पर जब आप अपनी दूसरी टैब्स को देखेंगे ना तो यहाँ पर भी ये वीडियो प्ले हो रही होगी। ये सारा काम आपने प्राइवेट ब्राउजर के अंदर करना है, ठीक है। बैक वक्त आप एक वक्त के अंदर 10 वीडियो को अपनी बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। 10 वीडियो आपकी, एक वीडियो आपकी 10 दफ़ा एक ही ब्राउजर के ऊपर चल रही होगी और चल भी किसी और कंट्री के अंदर रही होगी, इससे आपका वॉच टाइम जो है वो आसानी पूरा हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपने किसी भी प्ले लिस्ट को, अगर आपकी प्ले लिस्ट के अंदर 10-15 वीडियोज़ पड़ी हैं, तो आपने इस ब्राउज़र के अंदर प्राइवेट टैब के अंदर जाके 10 दफ़ा न्यू टैब्स के अंदर वीडियोज़ को प्ले आउट कर लेना है। प्ले आउट करने के बाद आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को बेशक बंद कर दें, बेशक इसको ऑफ कर दें। ऑफ के बाद भी जो है वो आपकी वीडियो प्ले होती रहेगी, बेशक आपका जो मोबाइल है उसका आप इंटरनेट ऑन करें, वीडियोज़ की वॉल्यूम को लो करें और अपने मोबाइल को अपनी जेब के अंदर डालें या कहीं पर रख दें। जैसे आपका नेट ऑन होना चाहिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, लेकिन आपकी जो वीडियोज़ हैं वो चलती रहेंगी। तो दोस्तों दिन में आप तकरीबन एक या दो दफ़ा कंट्री चेंज करके यहाँ से इन एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी वीडियोज़ के ऊपर वॉच टाइम अच्छा लेकर आ सकते हैं। और अगर आपके पास घर के अंदर 2-3-4 मोबाइल हैं तो उनके ऊपर इस प्रोसीजर को लगा कर आप बहुत जल्द अपना यूट्यूब का जो वॉच टाइम है वो पूरा कर सकते हैं। और ये एक लीगल वेज भी होता है, लेकिन अगर आप कंट्रीज़ वगैरह को टारगेट नहीं करते हैं, कंट्री चेंज नहीं करते हैं, तो अगर यूट्यूब को इसका शक पड़ जाता है तो उससे आपके चैनल की जो रेटिंग है थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने एक जीनियस वर्क करना है जिससे आपका वॉच टाइम पूरा हो जाए और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को बिना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।